सद्भावना न्यूज एन एम पूनम शर्मा। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अब देश का बास्केटबॉल का केंद्र भी बनता जा रहा है। इंदौर में उपलब्ध सुविधाओं को देखते हुए न सिर्फ राज्य संगठन बल्कि भारतीय बास्केटबॉल संगठन भी इंदौर की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। यही कारण है कि कोरोना संक्रमण कम होने के बाद शहर में एक के बाद एक स्पर्धाएं होने जा रही हैं। इस क्रम में जूनियर राष्ट्रीय स्पर्धा, पश्चिम क्षेत्र सीनियर स्पर्धा और राज्य सीनियर स्पर्धा शामिल है। मध्य प्रदेश बास्केटबॉल संगठन के अध्यक्ष कुलविंदर सिंह गिल और महासचिव अविनाश आनंद ने बताया कि इंदौर में उपलब्ध सुविधाओं की देश भर में तारीफ होती है। यहां एक ही परिसर में बास्केटबॉल का स्टेडियम और कई कोर्ट उपलब्ध हैं। इसी कारण करीब 10 साल के बाद इंदौर में राष्ट्रीय सीनियर स्पर्धा होने जा रही है। पिछली बार वर्ष 2012 में इंदौर में राष्ट्रीय स्पर्धा हुई थी जिसकी मेजबानी एमरल्ड हाइट्स स्कूल ने की थी। वहीं वर्ष 2010 में राष्ट्रीय स्पर्धा बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में खेली गई थी। अब 4 से 10 जनवरी 2022 तक नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी के सहयोग से राष्ट्रीय स्पर्धा बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में खेली जाएगी। इस दौरान बालक और बालिका वर्ग में देश के सभी दिग्गज खिलाड़ी शहर में चुनौती पेश करेंगे। टूर्नामेंट में 800 से खिलाड़ियों और अधिकारियों सहित करीब 1000 लोग शिरकत करेंगे। इसी स्पर्धा के आधार पर भारतीय टीम का चयन इंदौर में होगा। राष्ट्रीय सीनियर स्पर्धा से पहले नवंबर माह में राज्य सीनियर स्पर्धा भी इंदौर में ही होगी। नए प्रारूप के तहत इसमें सभी संभागों की शीर्ष 3 टीमों को प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस, रेलवे, LNIP और EME की टीमों को सीधे प्रवेश मिलेगा। स्पर्धा में महिला और पुरुष दोनों वर्गों की टीमें चुनौती पेश करेंगी। इस दौरान करीब 600 खिलाड़ी और अधिकारी शामिल होंगे। संगठन अध्यक्ष गिल ने बताया कि पश्चिम क्षेत्र सीनियर स्पर्धा की मेजबानी भी इंदौर को सौंपी गई है। इसमें 6 राज्यों की टीमें हिस्सा लेती हैं। सीनियर वर्ग में होने वाली इस स्पर्धा में मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा की टीमें हिस्सा लेंगी। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।